तो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ अच्छे से प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मैग्निफिकेशन। इतने अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि तुमको दूसरी कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये टॉपिक हम लोगों ने जस्ट पिछले लेक्चर में रिवीजन किया हुआ है कि व्हाट इज मैग्निफिकेशन और केसेस की, कॉन्वेक्स में केसेस कैसे होते हैं, कॉनकेव में केसेस कैसे होते हैं। तो सीधा हम लोग शुरू करते हैं प्रॉब्लम्स। सी प्रॉब्लम नंबर वन। प्रॉब्लम नंबर वन में क्या गिवन है कि लेंस है, कौन सा लेंस है, दिस इज नॉट गिवन। लेंस है जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर है, फॉर्म्स एन अपराइट इमेज। अपराइट इमेज मतलब वर्टिकल इमेज। तो इरेक्ट, हमको पता है कि जब भी इमेज इरेक्ट होता है इट इज वर्चुअल, करेक्ट। तो इरेक्ट इमेज, तो यहां पर मार्क करके लिख देते जो भी गिवन डेटा है, अपराइट इमेज दैट मींस जो भी इमेज होगा वो वर्चुअल इमेज होगा। और हम लोगों ने जस्ट थोड़ी देर पहले डिस्कस किया हुआ है यहां पर कि जब भी इमेज वर्चुअल होता है मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव। वर्चुअल इमेज मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव और रियल इमेज मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव। तो यहां पर गिवन है इरेक्ट है, तो इरेक्ट से हमको पता चला कि इट इज वर्चुअल, ठीक है। दैट मींस गिवन डेटा में जो मैग्निफिकेशन हम लोग लिखेंगे वो लिखेंगे पॉजिटिव, विच इज हाफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से हाफ है, मतलब मैग्निफिकेशन इज प्लस हाफ। हमको फाइंड करना है नेचर ऑफ इमेज, सॉरी नेचर ऑफ लेंस, करेक्ट। अभी ठीक से सुनो, तो वर्चुअल में दो केसेस है, आइदर आइदर वर्चुअल कॉन्वेक्स लेंस में वर्चुअल होगा, लेकिन जब कॉन्वेक्स लेंस में वर्चुअल होता है इमेज इज मैग्निफाइड, और जब कॉनकेव लेंस में वर्चुअल होता है इमेज इज डिमिनिश्ड। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है मैग्निफिकेशन इज हाफ, मतलब इमेज डिमिनिश्ड है, देयरफॉर बराबर यहां पर लिख देता हूं इमेज जो है दैट इज डिमिनिश्ड छोटे साइज का है, देयरफॉर ये होगा कॉनकेव मिरर या सॉरी कॉनकेव लेंस। देख समझ में आया क्या, एकदम इजी। तो ये हुआ अपना क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो जो लेंस के प्रॉपर्टीज है कॉन्वेक्स और कॉनकेव, वहां से हम लोग अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे कि क्वेश्चन में गिवन क्या है और कौन से टाइप का लेंस होगा, ठीक है। ओके, सेकंड पार्ट, कैलकुलेट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हमको क्या फाइंड करना है, यू फाइंड करना है, कितना इजी है, फोकल लेंथ गिवन है और कॉनकेव लेंस है, ठीक है। तो कॉनकेव लेंस में हमको पता है कि फोकल लेंथ वी टेक एज -10 सेंटीमीटर, याद है। कॉन्वेक्स लेंस में वी टेक फोकल लेंथ पॉजिटिव और कॉनकेव लेंस में वी टेक फोकल लेंथ एज नेगेटिव, करेक्ट। तो फोकल लेंथ हमको पता है और क्या गिवन है, वी हैव टू कैलकुलेट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो यहां पर देख मैग्निफिकेशन हमको पता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है मैग्निफिकेशन का, इट इज HI upon HO या फिर V upon U। डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ये होगा आपका कॉनकेव लेंस। ऑब्जेक्ट सपोज यहां पर है, दिस इज आपका ऑब्जेक्ट HO। अभी रे डायग्राम से इसका इमेज कैसे होगा, देख रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मस्ट पास थ्रू फोकस। अभी ये डाइवर्जिंग है तो ये इधर से कहीं तो पास होगा पीछे एक्सटेंड करके, और रे थ्रू पोल, करेक्ट है। सो इमेज ऐसा इरेक्ट होगा और डिमिनिश होगा। तो डेटा देख, डेटा में सपोज ये जो डिस्टेंस है यू यू, ये डिस्टेंस एक्स कंसीडर कर लेते हैं और ये डिस्टेंस वाई कंसीडर कर लेते हैं। ऐसा क्यों करता हूं, उसके पीछे का रीजन है, एक्स एंड वाई में डिस्टेंसेस ले रहा हूं, सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी -x और इमेज डिस्टेंस विल बी -y। क्यों, बिकॉज दोनों पोल के लेफ्ट साइड में। तो हम लोग यूज कर लेते हैं ये फॉर्मूला होता है v अपॉन u इज इक्वल टू h i अपॉन h o, सो हाफ इक्वल टू x u, v इज -y u इज -x, तो ये कैंसिल, तो यहां पर आएगा x इक्वल टू 2y। फिर हम लोग अपना लेंस फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, लेंस फॉर्मूला 1 अपॉन v
माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ, वी इज माइनस वाई, यू इज माइनस एक्स, एफ इज माइनस टेन. तो ये माइनस 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 कैंसिल, x इक्वल टू टू वाई यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये 1 अपॉन 10. तो यहां पर एलसीएम कितना आएगा, 1 अपॉन 2y इज इक्वल टू 1 अपॉन 10, देयरफॉर y आएगा 5 सेंटीमीटर. मतलब इमेज कितने डिस्टेंस पे फॉर्म होगा, इमेज 5 सेंटीमीटर पे फॉर्म होगा. हमको फाइंड करना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, y 5 सेंटीमीटर है, सो x कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर आएगा. दैट मींस ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पे है टू द लेफ्ट ऑफ द पोल. चेक करो प्रॉब्लम नंबर टू. प्रॉब्लम नंबर टू में क्या गिवन है, फाइंड पोजीशन साइज एंड नेचर ऑफ इमेज. इमेज का पोजीशन साइज फाइंड करना है हमको. लेंस इज कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है. तो हमको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ वी टेक एज पॉजिटिव, सो फोकल लेंथ इज प्लस 10 सेंटीमीटर. व्हेन 2 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट का साइज इज 2 सेंटीमीटर. और यहां पर क्वेश्चन में दो केसेस आर गिवन, व्हेन इट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ लेंस एट अ डिस्टेंस ऑफ. तो पहले हम लोग सॉल्व कर लेते केस 1, दैट इज U is given 5 सेंटीमीटर. U 5 सेंटीमीटर मतलब ऑब्जेक्ट जो है पोल के लेफ्ट साइड पे रखेंगे, therefore minus 5 सेंटीमीटर. हमको क्या फाइंड करना है, पोजीशन साइड नेचर. तो सबसे पहले लेंस फॉर्मूला यूज करके V फाइंड कर लेते हैं. सो 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इज 1 अपॉन F. तो ये आएगा 1 अपॉन V माइनस माइनस 5, 1 अपॉन 10. सो 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन 5 इज 1 अपॉन 10. तो कैलकुलेशन देख रहा है, तो ये आएगा 1 अपॉन V इज इक्वल टू, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये आएगा माइनस 1 अपॉन 10. सो V आएगा माइनस 10 सेंटीमीटर. मतलब इमेज जो है पोल के लेफ्ट साइड में फॉर्म होगा एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल. ठीक है, अभी देख क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा था, पोजीशन. तो पोजीशन तो हम लोगों ने फाइंड किया कि पोल के लेफ्ट साइड में 10 सेंटीमीटर. नेक्स्ट पूछा है साइज. साइज कैसे फाइंड करेंगे, साइज हम लोग फाइंड करेंगे मैग्निफिकेशन से. सो मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट वी अपॉन यू इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ, करेक्ट. तो ये होगा v, v इज माइनस 10, u इज ऑल्सो माइनस 5 इज इक्वल टू h i. हाइट ऑफ इमेज फाइंड करना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है 2 सेंटीमीटर, तो ये माइनस साइन कैंसिल. तो h i जो है ये 2, ये आएगा 4 सेंटीमीटर. अगेन आंसर दे प्लस 4 सेंटीमीटर. That means, सबसे पहले तो हम लोग ये बताएंगे कि साइज, हाइट ऑफ इमेज इज 4 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर, मतलब इमेज जो है वो डबल है. और नेक्स्ट हमको फाइंड करना है व्हाट इज नेचर. तो यहां से तो हम लोगों ने बोल दिया कि इमेज जो है दैट इज मैग्निफाइड. और ये जो प्लस साइन है ये हमको बताएगा कि इमेज जो है वो वर्चुअल है. अभी हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था कि अगर हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव है मतलब वो इरेक्ट है, करेक्ट. इरेक्ट है मतलब इट इज वर्चुअल, बिकॉज ऑल इरेक्ट इमेजेस आर वर्चुअल. दैट मींस अगर ऑब्जेक्ट का साइन और इमेज का साइन अगर सेम है देन इमेज विल बी वर्चुअल बिकॉज इट इज इरेक्ट. आई होप प्रॉब्लम एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा, करेक्ट. तो सिमिलरली ये जो सेकेंड केस है इसको तुम लोग एज अ होमवर्क सॉल्व करो
और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ इसका आंसर क्या होगा कि व्हाट इज पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। मैं फिर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करूंगा कि तुम लोगों के आंसर्स राइट है या रॉन्ग है। अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। तो प्रॉब्लम थ्री में देखो क्या गिवन है, कॉन्वेक्स लेंस, मतलब डेटा लिखते समय फोकल लेंथ विल बी पॉजिटिव प्लस 12 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस, मतलब हमको यू फाइंड करना है इफ इमेज फॉर्म इज। दो केसेस है, एक वर्चुअल एंड थ्री टाइम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और केस टू रियल एंड थ्री टाइम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो पहले हम लोग सॉल्व करते हैं केस वन। तो केस वन में देखो, केस वन में इमेज जो है वो कैसा है, वर्चुअल है। और हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है कि व्हेनेवर इमेज इज वर्चुअल मैग्निफिकेशन जो है वो पॉजिटिव आएगा और थ्री टाइम्स है तो प्लस थ्री आएगा। और सिमिलरली केस टू में इमेज जो है वो रियल है, जब भी इमेज रियल होता है मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगा, बराबर। तो ये होगा केस टू में माइनस थ्री, करेक्ट। सिंपल सा है, सॉल्व कर लेते हैं। फोकल लेंथ गिवन है तो सबसे पहले हम लोग क्या यूज करेंगे, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं कि मैग्निफिकेशन इज वी अपॉन यू, करेक्ट। सो थ्री इज इक्वल टू वी अपॉन यू, सो वी आएगा 3u। तो अपने लेंस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 upon v minus 1 upon u is 1 upon f, so 1 upon v that is 3u minus 1 upon u is 1 upon f, करेक्ट। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो minus 2 upon 3u is 1 upon 12, करेक्ट। 3 4, so u आएगा minus 8 सेंटीमीटर। minus 8 मतलब ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में है, तो कितने डिस्टेंस पर है, डिस्टेंस पूछा है मतलब मैग्नीट्यूड। तो ऑब्जेक्ट जो है लेंस से 8 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट साइड, करेक्ट। क्वेश्चन में यही पूछा था, फाइंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस। तो ये हुआ पार्ट वन का आंसर। अभी केस टू देखो, सेम मैग्निफिकेशन माइनस थ्री गिवन है, अगर तुम लोग सेम स्टेप्स यूज करोगे तो तुमको यू मिलेगा। तो अगेन एज यूजुअल ये सेकेंड पार्ट एज अ होमवर्क करो और चैट बॉक्स में मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा। अच्छे से क्वेश्चन नंबर इंसर्ट करो और मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर थ्री पार्ट टू का आंसर ये है, मैं बता दूंगा कि इट इज राइट और रॉन्ग। एग्जांपल नंबर फोर, अ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस इज गिवन। तो याद रखो जब भी लेंस दिया होगा ना, जो भी लेंस दिया है, सबसे पहले फोकल लेंथ लिखो विद साइन। तो यहां पर गिवन डेटा में आएगा f इक्वल टू कॉन्वेक्स लेंस है इसलिए प्लस 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फॉर्म्स एन इमेज विच इज 4 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन जो है वो दिया है 4। क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस, u equal to question mark। अभी we know that कि convex lens में magnification के दो cases are possible, magnification positive भी होता है negative भी होता है। अगर concave lens दिया होता तो concave lens में magnification is always negative, लेकिन convex lens में magnification depending upon object कहां पर है उस पे डिपेंड करेगा कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। अभी प्रॉब्लम में वैसा कुछ गिवन नहीं है, मतलब दे आर एक्सपेक्टिंग कि तुम लोग दोनों केसेस के लिए सॉल्व करो। सो देयर विल बी टू पॉसिबल केसेस, कौन से दो पॉसिबल केसेस आएंगे, केस वन में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव लेना पड़ेगा, इस केस में व्हेनेवर मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव इमेज जो है दैट इज वर्चुअल, और केस टू में हमको मैग्निफिकेशन नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो इस केस में इमेज जो है वो रियल और इन्वर्टेड होगा, और इस केस में वर्चुअल और इलेक्ट होगा।
बराबर। ये केसेस हम लोग पिछले लेक्चर के लास्ट स्लाइड में डिटेल में देखा हुआ है, अगर किसी को इन केसेस में डाउट है तो पिछला वाला लेक्चर देख लो, एकदम क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, ओके। अभी कुछ नहीं, सब कुछ गिवन है। लेंस पहले तो मिरर के मैग्निफिकेशन से v और u में रिलेशन फाइंड कर लेते हैं। सो दिस इज v अपॉन u, सो v विल बी 4u, और फिर मिरर फार्मूला से 1 upon v minus 1 upon u is 1 upon f. So 1 upon 4u minus 1 upon u is 1 upon 10. तो ये calculation आएगा 4 से multiply करेंगे, minus 3 by 4u is equal to 1 upon 10. So u आएगा minus 30 by 4 centimeter. तो ये हुआ अपना object distance, या फिर minus 15 by 2 centimeter. करेक्ट। सिमिलरली क्विकली केस टू के लिए मैग्निफिकेशन इज माइनस फोर, सो वी अपॉन यू इज माइनस फोर, सो वी आएगा माइनस फोर यू। लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज 1 अपॉन एफ। करेक्ट, सो 1 अपॉन माइनस फोर यू माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर एडिशन होगा, minus 5 upon 4u is 1 upon f in that 10. Correct? So u is equal to minus 50 by 4, मतलब minus 12.5 centimeter. और केस 1 के लिए कितना था? ये 15 by 2, मतलब minus 7.5 centimeter. एकदम इजी, तुम लोग स्टेप बाय स्टेप एकदम करेक्ट अगर साइन कन्वेंशन यूज करोगे, और तुमको अगर पता होगा कि कैरेक्टरिस्टिक कैसे है इमेज और ऑब्जेक्ट के फॉर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस, ये वाले प्रॉब्लम्स बहुत इजी हो जाएंगे। आई होप सबको ये लेक्चर एकदम क्लियर में समझ में आया होगा। लेक्चर अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर करो। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।